हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आइए सीखते हैं कि गूगल शीट में हम ड्रॉप डाउन कैसे बना सकते हैं। बात करें गूगल शीट की, तो ऑनलाइन डेटा रखने का काफी पॉपुलर ये तरीका है। ऑनलाइन अपना डेटा सर्वर पे आप रख सकते हैं, आप चाहे तो ऑफलाइन भी यूज कर सकते हैं। तो आइए पहले देखते हैं कि गूगल शीट पर हम सबसे पहले ड्रॉप डाउन बनाएंगे। तो यहां पर ये एरिया मैं सेलेक्ट कर रहा हूं, इतने एरिया में हम ड्रॉप डाउन बनाएंगे। ठीक है, ये एरिया हमने सेलेक्ट कर लिया। अब जाएंगे डाटा पे और यहां से आ जाएंगे डेटा वैलिडेशन, आपको दिख रहा होगा, यहां पर क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे ही क्लिक किया हमने तो ये रेंज हमारी सेलेक्ट हो गई है डेटा वैलिडेशन वाली। तो यहां पे जाकर के और हमने सेलेक्ट किया है डेटा में जाकर के यहाँ डेटा वैलिडेशन को। ठीक है, तो अब यहां पे लिस्ट फ्रॉम रेंज आ रहा है। ठीक है, तो यहां पे लिस्ट आइटम्स दे सकते हैं हम। ठीक है, हम यहां पे लिस्ट आइटम दे देते हैं। ठीक है, और यहां पर शो वैलिडेशन हेल्प टेक्स्ट अगर हम शो कराना चाहते हैं तो दे दें, हम छोड़ देते हैं इसको और यहां सेव पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अब ये कह रहा है कि प्लीज एंटर वैलिड लिस्ट आइटम। तो यहां पे लिस्ट आइटम आपको एंटर करना है, जैसे कि आप एक्सेल में एंटर किया करते थे तो यहां भी एंटर करेंगे। तो पहले मैं लिखता हूं अविनाश शाही, ये पहला नाम, कॉमा देंगे, दूसरा नाम राम सिंह, तीसरा नाम श्याम सिंह, चौथा नाम सचिन, पांचवा नाम सुमित, छठवां नाम राज और सातवां नाम सानिया, उसके बाद वसीम, उसके बाद जावेद, उसके बाद सीता, उसके वैलिडेशन हेल्प हमें दिखाई दे सके। ठीक है, और यहां सेव कर देंगे इसको। तो ये सेव कर दिया हमने, तो यहां पे देख सकते हैं आप एक प्रकार की ड्रॉपडाउन यहां पे क्रिएट हो गया। अगर यहां पे एक सिंबल सा बना हुआ आ रहा है, यहां पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहां पे हम आइटम्स की लिस्ट को देख पाएंगे। यहां पे आप देख सकते हैं सारे आइटम्स की लिस्ट यहां पे डिस्प्ले हो रही है। ठीक है, अब आइए यहां पे रैंड फॉर्मूले का यूज समझते हैं। आपने लिब्रे ऑफिस में रैंड फॉर्मूले का यूज समझा होगा, एमएस एक्सेल में समझा होगा, अब आइए यहां पर समझते हैं गूगल शीट में। तो यहां रैंड बिटवीन लगाएंगे, रैंड बिटवीन, हमें रैंड बिटवीन ही लगाना है। ठीक है, हम यहां पर रैंडमली नंबर लेके आना चाहते हैं, सो रैंड बिटवीन लगाएंगे। ठीक है, तो यहां पर रैंड बिटवीन पे आ गए और यहां पर टैप कर दिया हमने। तो अभी यहां पर सबसे कम वाला नंबर, यानी कि जो स्टूडेंट सबसे कम मार्क्स पाएगा उसका नंबर। ठीक है, और अगर कोई सब्जेक्ट है जिसमें स्टूडेंट सबसे ज्यादा मार्क्स पा रहे हैं तो उसका मार्क्स, तो यहां दे दिया हमने, तो एक मार्क्स आ गया यहां पे। अब इसको हम यहां से ड्रैग करके पूरा यहां पे स्प्रेड कर देंगे इसको, और ये यहां तक हमने स्प्रेड कर दिया, आप देख सकते हैं। इसको राइट क्लिक करेंगे, कॉपी पे क्लिक करेंगे, देन यहां से हम पेस्ट स्पेशल पे जाएंगे और इसको बना देंगे हम वैल्यू। ठीक है, तो ये हमने वैल्यू बना दिया। ठीक है, अब यहां पर ऑब्टेन मार्क्स हमें कैलकुलेट करना है, इज इक्वल टू का निशान लगाएंगे, सम लिखेंगे और इन सबको हम ऐड करा देंगे यहां से सेलेक्ट करते हुए, यानी B2 से सेलेक्ट करके और यहां तक जाएंगे यानी F2 तक। ठीक है, हम चाहे तो यहां पर ऐसे भी कर सकते हैं, यहां पे अपने हैंड से लिख सकते हैं B2 कोलन लगाइए F2। ठीक है, ऐसे भी हम कर सकते हैं और एंटर प्रेस करेंगे तो हमारा यहां पे ऑप्टेन मार्क्स आ जाएगा। आइए मैक्सिमम निकाल के देख लेते हैं, एम ए एक्स करेंगे, टैप करता हूं मैं, ये टैब वाला तरीका लिब्रे ऑफिस में नहीं काम करता, यहां गूगल शीट में काम करेगा। ठीक है, इसको सेलेक्ट किया हमने और ये मैक्सिमम मार्क्स निकाल लिए इनके। अब मिनिमम मार्क्स जिस भी सब्जेक्ट में इन्होंने पाया होगा वो मिनिमम मार्क्स निकाल लेते हैं, तो यहां से हम मिनिमम मार्क्स भी निकाल सकते हैं इजिली। ठीक है, ये मिनिमम मार्क्स हो गया, एवरेज निकाल लेते हैं इनका, आप इज इक्वल टू ए बी ई आर ए जी ई, एवरेज आ गया, तो ये अपने आप सेलेक्ट होकर आ गया, देख सकते हैं आप। ये कमाल का बड़ा फीचर है गूगल शीट में, एंटर प्रेस किया हमने तो इनका एवरेज आ गया। अब परसेंटेज कैसे निकालते हैं, वही तरीका सेम, ये पांच सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट 100 मार्क्स का है, ये आपको पता है, ऑप्टेन मार्क्स हमने पहले ही निकाल लिया है। इंटू का शाइन लगाएंगे, एट नंबर बटन अल्फाबेटिक जो है वहां पर इंटू का शाइन मिल जाएगा आपको, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से अपॉन 500 कर देंगे, क्योंकि हमारे पास पांच सब्जेक्ट है, एंटर प्रेस करेंगे तो यहां पर ये परसेंटेज भी निकल के आ गया। ये दोनों सेम आता है, तरीका अलग अलग है। अब यहां पे ग्रेड निकालना है तो इक्वल टू इफ का फॉर्मूला लगाएंगे जैसा कि वहां पर भी लगाते थे, और यहां एवरेज को आपको करना है सेलेक्ट, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 85। हम लोग जो सॉफ्टवेयर डेवलपर ए लेवल का एग्जाम देते हैं उसमें एस ग्रेड होता है 85 या 85 से अब, तो यहां मैं लिखता हूं एस ग्रेड। ठीक है,
फिर इफ लगाएंगे, इसे हम नेस्टेड इफ कहते हैं, पहले की कई वीडियोस में मैं बहुत बार बता चुका हूं, ठीक है। अब ये जो एवरेज है इसको हम सेलेक्ट करेंगे, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है। अब क्या करेंगे, 75 करेंगे इसको, कॉमा ए ग्रेड, ओके। इफ करेंगे दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 65, कॉमा बी ग्रेड, कॉमा इफ दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 65, कॉमा सी ग्रेड, इफ दिस वैल्यू यानी इसी को इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 55, सॉरी यहां पे 55 होगा, गलती से 65 हो गया, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब यहां 50 कर देंगे, लास्ट में 50 करेंगे, और तो यहां पे कॉमा देंगे, और लास्ट में होगा डी ग्रेड। और लास्ट में दो कंडीशन दी जाती है, मैं कई बार बता चुका हूं, और ऐसा इनमें से कोई भी ये कंडीशन टैली ना करे तो ये फेल्ड हो जाए। तो कितने हमने लगाए हैं, 1, 2, 3 जितने भी लगाए हैं उसको हम यहाँ पे लगा देंगे, इंटरफेस करेंगे, तो यहाँ बी ग्रेड आ गया है। यहाँ पे भी आप डबल क्लिक करेंगे हम तो देख पाएंगे कि इनका भी आ गया, और फिर मैक्सिमम पे डबल क्लिक कर देंगे तो इनका आ गया, फिर यहाँ पर मिनिमम पे डबल क्लिक किया तो इनका पूरा आ गया, सारा डिटेल आ गया हमारा, और यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो ये भी पूरा डिटेल आ जाएगा, और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये भी आ जाएगा, और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये भी आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसको करेंगे सेलेक्ट, और इस पे हम बॉर्डर लगा लेते हैं, देन यहाँ से हम थोड़ा देखेंगे इसमें, यहाँ पे जाएंगे बॉर्डर पे, यहाँ पे देखिए बॉर्डर बना है, ये देख सकते हैं आप, क्लिक करेंगे तो ये बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा इस पे, तो ये बॉर्डर अप्लाई हो गया जैसा कि आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसमें कोई कलर डालना चाहते हैं तो यहाँ से कलर भी डाल सकते हैं बहुत ही इजी वे में, ठीक है। तो ये देखिए ये जो लाइनिंग है उसकी कलर चेंज हो गई, ये सारे फीचर्स दिए हुए हैं, ठीक है। और लाइनिंग की मोटाई यानी कि विथ को आप बढ़ाना चाहते हैं लाइनिंग की, तो यहां से विथ भी बढ़ जाएगी इसकी, और ये लाइन काफी मोटे में आ चुकी है, देख लीजिए आप, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये बात समझ में आ रही होगी, काफी चीजें इसमें हैं जो एक्सेल से इसको अलग बनाती हैं। अगर कोई लिंक इंसर्ट करना चाहते हैं तो यहां से इंसर्ट कर सकते हैं, फिलहाल हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है, ठीक है। अब यहां पर देख सकते हैं, यहां पे जो ड्रॉप डाउन हमने बनाई है, यहां पे अविनाश शाही लिख दिया हमने, ये अविनाश शाही का नंबर है, ये राम सिंह का नंबर है, और यहां से ये श्याम सिंह का हो जाएगा, ठीक है, और सचिन। ये तो एक तरीका है कि ड्रॉप डाउन हम इस तरीके से बना सकते हैं। अगले वीडियो में हम डिपेंडेबल ड्रॉप डाउन बनाना सीखेंगे, जैसे वो डिपेंड होगी किसी दूसरे, जैसे मान लीजिए कोई रिजल्ट अगर हम कोई रिकॉर्ड रखते हैं तो उस रिकॉर्ड के ऊपर डिपेंड लिस्ट बनाना सीखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। सानिया, वसीम, जावेद, सीता, और यहां पे गीता, ओके। तो इस तरीके से हमने ये क्रिएट कर लिया, ठीक है। अब हम चाहें तो इसकी यहां से इसकी विड्थ को बढ़ा सकते हैं, चौड़ाई बढ़ा सकते हैं, ठीक है, और इस पूरे डेटा को एक डिफरेंट कलर दे सकते हैं, इतने पार्ट को, ये टाइटल है हमारा, इसको हम डिफरेंट कलर भी दे सकते हैं। यहां से हम इसको पहले सेंटर अलाइन कर लेते हैं हर एक डेटा को, ठीक है। अब इसको मिडिल अलाइन करेंगे यहाँ पे जाकर के, और यहाँ से मिडिल अलाइन कर लेंगे। अब इसमें कलर हमें भरना है, तो कलर कहाँ से भरेंगे, यहाँ पे देखिए ये बहुत सारे कलरिंग ऑप्शन आपको मिलेंगे, यहाँ से आप कलर दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ से मैं ब्लैक कलर को व्हाइट कलर में कन्वर्ट कर देता हूँ ताकि देखने में अच्छा लगे, आसानी हो आपको, ठीक है। तो ये देख लीजिए, इस तरह से हम पूरा ये डेटा बना सकते हैं। अब हम एक और जो फॉर्मूला है जिसका नाम है मैच फॉर्मूला, ठीक है, तो वो हम सीखेंगे। तो अभी समझ लीजिए कि जैसे सपोज कीजिए कि यहां पर हमें सचिन का नंबर देखना, तो इसको मैं कॉपी करता हूं यहां पे, इसको डाल देता हूं, कॉपी करके ही डाल देता हूं यहां पे, ठीक है। ये सचिन आ गया, सचिन के अलावा आप किसी का भी ले सकते हैं, सचिन तो एक स्टूडेंट का नाम है। यहाँ पे ड्रॉप डाउन बनाने का फायदा अभी आपको पता चलेगा। अब जैसे मान लीजिए इनका ऑप्टेन मार्क्स आपको देखना है, तो यहाँ ऑप्टेन मार्क्स को कॉपी किया हमने, या लिख भी सकते हैं अपने हाथ से, यहाँ पेस्ट पे क्लिक किया तो ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहां पे लगाएंगे मैच का फॉर्मूला और देखेंगे कि मैच का फॉर्मूला किस तरह से ये काम करेगा। तो मैच लगाया हमने, अब हम क्या करेंगे, ये देखिए मैच हो गया। अब हम इसको सेलेक्ट करेंगे, सचिन जो है इसको सेलेक्ट कर लिया हमने, कॉमा दिया, ठीक है। ये सचिन कहां होगा,
इसी टाइटल में कहीं हमें सचिन मिलेगा, ठीक है। तो ये मैच का फॉर्मूला हमें सचिन का कॉलम नंबर बता देगा। F4 दबा के इसको फिक्स करेंगे, रो और कॉलम दोनों को फिक्स करना है आपको, ठीक है, कॉमा देंगे। अब यहां पर एग्जैक्ट मैच के लिए हम जीरो देते हैं, ठीक है, तो यहां जीरो दे देंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो ये हमें कॉलम नंबर 5 के बारे में बता रहा है कि सचिन का जो कॉलम नंबर है वो 5 है। आइए काउंट करते हैं 1 2 3 4 और ये 5, तो ये 5 है कॉलम नंबर, ठीक है, यहां पे सॉरी रो नंबर 5 है इसका, क्या है, रो नंबर 5 है, कॉलम नहीं होगा रो नंबर होगा। अब यहां पे ऑब्टेन मार्क्स की बात कर लेते हैं। ऑब्टेन मार्क्स का अगर हमें कॉलम नंबर पता करना हो तो कैसे पता करेंगे, तो यहां पे फिर मैं मैच लगाता हूं MATCH मैच, ओके, और यहां पर अब हम ऑब्टेन मार्क्स को सेलेक्ट करेंगे, कॉमा देंगे और ये पूरा का पूरा टाइटल आप सेलेक्ट कर जाइए यहां से लेके पूरा यहां तक, ठीक है, और F4 दबा के इसको करिए फिक्स, कॉमा दीजिए। अब क्या करना है आपको, यहां पे एग्जैक्ट मैच के लिए जीरो देना है, एंटर प्रेस करना है। तो यहां पर कॉलम नंबर 7 आ रहा है, यहां पे रो नंबर 5 था, ये कॉलम नंबर 7 है। आइए काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो यहां पे देख सकते हैं आप किस तरीके से ये काम कर रहा है। अगर सपोज कीजिए कि हमें यहां सचिन का ना देखकर किसी और का चाहिए होता तो हम क्या करते हैं, यहां से ड्रॉप डाउन चूज करते हैं, जावेद का चाहिए, तो ये देखिए जावेद का कॉलम नंबर रो नंबर अपने आप चेंज होकर 10 हो गया। आइए काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये जावेद का रो नंबर 10 है। तो इस तरीके से हम ये कर सकते हैं, ठीक है। अब आइए इसमें व्यू लुकअप का भी फार्मूला यूज कर लेते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू व्यू लुकअप, व्यू लुकअप यानी वर्टिकल लुकअप, ये हमने व्यू लुकअप यूज किया। अब हमें क्या देखना है, हमें जावेद का नंबर देखना है, कॉमा दिया, ठीक है, वर्टिकली ये लुकअप करता है और ये पूरे डेटा को हमको सेलेक्ट करना है, ठीक है, पूरा डेटा हमने सेलेक्ट कर लिया। F4 दबा के फ्रीज कीजिए रो और कॉलम्स को, ठीक है, कॉमा देंगे। कॉमा देने के बाद यहां मैच का फॉर्मूला हम यूज कर लेंगे, क्योंकि मैच का फॉर्मूला ही एक ऐसा फॉर्मूला है जो हमें रो और कॉलम नंबर्स के बारे में बता सकता है कि ये कितने नंबर पे। हम अभी खोजेंगे ऑप्टेन मार्क्स, तो ऑप्टेन मार्क्स को सेलेक्ट किया, कॉमा दिया और ये ऑप्टेन मार्क्स हमें यही कहीं मिल जाएगा ऊपर में टाइटल में, ठीक है, इसको सेलेक्ट किया हमने, F4 दबा के फ्रीज किया, कॉमा दिया, जीरो देंगे एग्जैक्ट मैच के लिए, कॉमा देंगे, वी लुकअप के छूटे हुए फॉर्मूले को पूरा करेंगे, बंद करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो यहां 251 नंबर है जावेद का, आप देख सकते हैं ये 251 नंबर जावेद का है, ठीक है। आइए देखते हैं कि 251 नंबर जावेद के हैं या नहीं ऑप्टेन मार्क्स में। तो ये जावेद का मार्क्स है और यहां पर जावेद के ऑप्टेन मार्क्स हैं, तो 251 यानी कि 251 मार्क्स हैं जावेद के, आप देख सकते हैं। थोड़ा मैं कलर में चेंजिंग करता हूं, आप और भी आसानी से देख पाइएगा। तो ये देखिए जावेद के जो है ये मार्क्स के बारे में हमें बता रहा है, ठीक है, और ये जावेद के मार्क्स हैं। यहां पे थोड़ा इसको डिफरेंट करता हूं मैं, और भी इसको ब्लैक करता हूं और यहां से कलर चेंज कर दूंगा, व्हाइट कर दूंगा, तो ये आप देख पाएंगे 251 नंबर है जावेद के, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कितनी आसानी से हम ये कर सकते हैं। अब सपोज कीजिए यहां जावेद का नहीं देखना था, तो हमने ड्रॉप डाउन बना रखा है, आप देख सकते हैं, तो यहां पे क्लिक करिए। अब मान लीजिए सानिया का देखना था, तो सानिया का 213 नंबर है, तो आइए देखते हैं सानिया के बारे में कि इनका 213 नंबर है या नहीं। ये सानिया है, ठीक है, तो सानिया के ऑप्टेन मार्क्स को मैं सेलेक्ट करता हूं, ये देखिए यही है सानिया का ऑप्टेन मार्क्स, इसको मैं यहां से ब्लैक कर देता हूं और कलर जो है व्हाइट कर देता हूं, तो आप देख पाएंगे कि सानिया का भी यहां से मैं चूज करूंगा, तो ये देख पाएंगे कि सानिया का 213 मार्क्स आया हुआ है। किसी का भी देखना हो आपको, सपोज कीजिए तो सानिया सुमित का देखना है, तो यहां पे सिर्फ सुमित को सेलेक्ट कीजिए और ये सुमित का 289, ठीक है, सुमित कहां है, ये है सुमित, ठीक है, इनका 289 है, यहां पे देख सकते हैं। इसको भी मैं ब्लैक व्हाइट कर देता हूं ताकि इजीली आप देख पाए, तो ये देखिए 289, ओके। आई होप कि आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आई होगी कि कैसे हम ये कर पा रहे हैं, ठीक है। और वीडियो आपको पसंद आए तो इसको शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ कमेंट भी कीजिएगा ताकि हमको पता चले कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।